Our educational channel Law Guru Ashok Gupta presents a lecture series of all law subjects, so subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता, अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। और साथ ही आज आपसे एक अपील और करता हूं कि कोरोना वायरस से अपने आप को सेफ रखिएगा और घर पर ही रहिएगा, और साथ ही गवर्नमेंट एडवाइजरी को फॉलो जरूर करते रहिएगा। और एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप हमें समय पर कमेंट्स करते रहिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम इसी तरह लेक्चर वीडियोस के माध्यम से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। तो अच्छे से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन हमारे साथ करते रहिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा। और हमारी पिछली वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं आज की लेक्चर वीडियो की और समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में, यानी कि अभिकर्ता के क्या क्या दायित्व होते हैं या प्रिंसिपल किस तरीके से बन सकता है, यानी प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को समझते हुए आज की लेक्चर वीडियो को देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में समझते हैं आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखते हैं एजेंसी जनरली अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 182 से 238 तक में एजेंसी के तहत प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। लेकिन अगर हम पाएंगे कि एजेंसी की डेफिनेशन, तो प्रॉपर तरीके से एजेंसी की डेफिनेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलती, यानी कि एजेंसी की कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है। हालांकि सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट की डेफिनेशन देता हुआ दर्शाता है, लेकिन अगर एजेंसी की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वेरियस जुडिशियल डिसीजंस के अंतर्गत इसकी एजेंसी की परिभाषा निकाली जा सकती है। वही मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर लिखा भी है, देख सकते हैं। एजेंसी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर बट अकॉर्डिंग टू जुडिशियल डिसीजन। क्या होता है एजेंसी? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का एम्प्लॉयमेंट होता है बाय अनदर, किसी अन्य के द्वारा, टू ब्रिंग द लेटर इनटू लीगल रिलेशन विद थर्ड पर्सन, जहां पर लीगल रिलेशन क्रिएट किया जाता है तीसरे पक्षकार के साथ। यानी कि आप देखेंगे यहां पर, आप देख रहे होंगे बेसिकली तीन पार्टीज की बात हो रही है, एक प्रिंसिपल, एक एजेंट और एक थर्ड पार्टी। अब होता क्या है यहां पर, यहां पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स एक तरीके से आप समझ लीजिएगा एम्प्लॉयर, एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में बोला जाता है मालिक, एजेंट हो जाता है अभिकर्ता और थर्ड पार्टी तीसरा पक्षकार। तो जो मालिक होता है वो एक व्यक्ति को एजेंट के तौर पर नियुक्त करता है, हायर करता है, एम्प्लॉय करता है, ठीक। तो यहां पर यही परिभाषा दी गई है, एजेंसी इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन बाय अनदर, यानी कि अनदर कौन, प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को एम्प्लॉय किया जाता है, हायर किया जाता है अपने किसी कार्य के लिए। और वो कार्य क्या होता है कि वो इसके प्रिंसिपल के बिहाफ पर, एजेंट यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेट करता है और उसके बिहाफ पर यहाँ कोई भी रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता है जिसके हिसाब से वो डील यहाँ पर फाइनल कराता है। यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट जब कोई डील थर्ड पार्टी से कराता है तो इसे ही, इसी रिलेशनशिप को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का नाम दिया जाता है, ठीक। एक तरीके से ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच होता है जिसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का नाम दिया जाता है। और जब ये डील पूरी हो जाती है तो यहां से एजेंट हट जाता है, यानी कि एजेंट बाहर निकल जाता है। सपोज कर लीजिए जैसे ब्रोकर की कंडीशन में होता है, आप एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो एजेंट के पास जाते हैं, जो ब्रोकर होता है वो आपको प्रॉपर्टी दिलाता है, लेकिन जब प्रॉपर्टी की डील फाइनल हो जाती है तो उसके बाद वो बीच से हट जाता है, डील अब यहाँ प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच रह जाती है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच दर्शाया गया है उसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के नाम से जानते हैं। अगर सेक्शन 182 की बात करूं तो इसे डेफिनेशन के तहत एजेंट और यहाँ पर प्रिंसिपल की डेफिनेशन के तहत समझाया भी गया और बोला गया है कि एजेंट कौन होता है, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन। एक एजेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉय होता है किसी कार्य के लिए किसी अन्य के द्वारा, यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा, किसलिए, इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन, तीसरे पक्षकार के साथ डीलिंग करने में, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ एजेंट की परिभाषा बतलाई गई है, साथ ही
यहाँ पर प्रिंसिपल की परिभाषा देते हुए कह दिया गया द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन, ऐसा पर्सन जिसके लिए ऐसे एक्ट को डन किया जाता है, यानी कि ऐसी डील जो थर्ड पार्टी के साथ की जाती है एजेंट के द्वारा, तो वो जिस व्यक्ति के लिए की जाती है उस व्यक्ति को यहाँ पर प्रिंसिपल बोला जाता है, यानी कि मालिक। सीधा सीधा आपको दिख भी रहा होगा ऊपर, यानी कि एजेंट जो है थर्ड पार्टी से एक डील करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल इस एजेंट को इस काम के लिए हायर कर लेता है, एम्प्लॉय कर लेता है। ठीक, इसी तरह इसके अगर एसेंशियल्स देखेंगे तो कुछ एसेंशियल्स यहाँ पर बतलाए गए हैं, दर्शाए भी गए हैं। सेक्शन 183 कहता है प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल है मालिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब कॉम्पिटेंट से मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा ही, कॉम्पिटेंट किसे बोला जाता है, जो मेजर हो और साउंड माइंड हो, यानी कि सेक्शन 10 की कंडीशन जहां पर अप्लाई होती है वहां ये कहता है कि प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर एजेंट की बात करें तो एजेंट के बारे में सेक्शन 184 कह देता है एजेंट नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट, एजेंट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट हो, यानी कि सीधा सीधा यहां पर आप देखने को मिलेगा कि प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता लेकिन एजेंट माइनर हो सकता है, यानी कि अगर आप 17 साल से कम है और आप एज एन एजेंट वर्क करना चाहते हैं तो आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वहां पर कोई भी माइनर को नहीं बनाया जा सकता, ना ही वो बन सकता है, क्लियर सी कंडीशन है यहां पर। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा समझ लीजिएगा कि जब ये एजेंट होता है, ये जो एजेंट होता है मान लीजिए माइनर होता है, तो माइनर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ अपॉइंट किया जाता है, और किसके लिए, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड पार्टी के आगे, और इनकी डील कराने के लिए। जब डील हो जाती है तो उसके बाद ये निकल जाता है और डील इन दोनों के बीच रह जाती है। ठीक, तो यहां पर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर आप देखेंगे प्रिंसिपल अगर माइनर हो जाता है और अगर डीलिंग में कोई मिसकंसेप्शन हो जाता है या कोई डिफॉल्ट हो जाता है, तो वहां पर जो इंडेमनिटी क्रिएट होती है वो किसकी होती है, उसके बाद प्रिंसिपल की होती है। और अगर प्रिंसिपल माइनर हो जाता है तो डेफिनेट सी बात है, हमने पढ़ा है लाइबिलिटी ऑफ माइनर के अंतर्गत कि माइनर की लाइबिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि माइनर से कोई भी इस तरीके की डील नहीं की जा सकती, माइनर इसके लिए लाइबल नहीं होता। इसीलिए यहां वो सेक्शन 183 सीधा सीधा कह देता है कि प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, हाँ एजेंट हो सकता है। उसके बाद कहता है सेक्शन 185 में नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, इसके साथ साथ ये बोल देता है कि कंसीडरेशन होना या ना होना यहां पर नेसेसरी नहीं है, यानी कि एक एजेंट विदाउट कंसिडरेशन भी काम कर सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हायर किया जा सकता है। ठीक, तो ये ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस दोनों तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ सेक्शन 185 में कुछ एसेंशियल्स के तौर पर 183, 184, 185 में आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के कुछ रूल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि क्या यहाँ पर हम बोल रहे थे कि एम्प्लॉय करता है एजेंट को, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, क्या इन दोनों के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट किया जा सकता है? तो सीधा सा आप देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी ऐसे प्रोविजन नहीं दिए गए हैं जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आ जाता है। क्यों होता है ऐसा, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय को जब ये यहाँ पर हायर करता है, एम्प्लॉय करता है, तो सीधी सी कंडीशन होता है जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर के हिसाब से काम करता है, यानी कि यहाँ पर नौकर जो होता है, जो नौकरी करता है, वो पूरा मालिक के अकॉर्डिंग चलता है, मालिक के अकॉर्डिंग ही काम करता है, बिल्कुल भी इसकी कोई फ्री कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं रहते, तो मालिक के हिसाब से ही, मालिक की इच्छा पर ही काम करता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो फुल्ली कंट्रोल होता है एम्प्लॉय के ऊपर वो किसका होता है, एम्प्लॉयर का होता है। ठीक, तो यहां पर जितना भी काम करता है एक तरीके से एम्प्लॉयर ही करता है। और एक बात और आप देखेंगे यहाँ पर, जब आप एम्प्लॉय रखते हैं या जब आप नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे कि एक काम के साथ आप दूसरा काम यहाँ पर नहीं कर सकते, यानी कि एम्प्लॉयर जो कहेगा वही आप कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आप करेंगे तो वो इलीगल मान लिया जाता है और इंडेमनिफाई होता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो एजेंट होता है, एजेंट एम्प्लॉयर से फ्री होता है, यानी कि एजेंट के ऊपर एम्प्लॉयर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता,
सिवाय इसे हायर करने के, इसे हायर तो करता है लेकिन किस लिए, इसकी सर्विसेज के लिए, और सर्विसेज के बिहाफ पर ये डिसीजन लेने में फ्री होता है और उसी के बिहाफ पर ये यहाँ थर्ड पार्टी से डील कराता भी है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर जो होता है ये फ्री कंट्रोल काम करता है और एक साथ कई क्लाइंट्स के साथ ये काम कर सकता है, जबकि यहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंडीशन में दोनों ही कंडीशन यहाँ आपको देखने को नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये जो एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी केवल प्रिंसिपल और एजेंट के बीच क्रिएट हुई रिलेशनशिप को ही दर्शाता है, जो किसके लिए होती है, थर्ड पार्टी के साथ डील करने के लिए होती है, और जब वो डील खत्म हो जाती है तो यहाँ पर एजेंट उससे बाहर आ जाता है। जैसे आप देखेंगे जनरली अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो जो इंश्योरेंस एजेंट होता है, जब आपकी डील फाइनल हो जाती है तो इंश्योरेंस एजेंट अपना पार्ट परफॉर्म करके बाहर आ जाता है। अब किस किसके बीच कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है कंपनी के बीच और आपके बीच। ठीक, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है। तो इसके बाद समझेंगे कि इसकी लायबिलिटीज और काइंड्स ऑफ एजेंट क्या क्या होते हैं। तो देख लेते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट के बारे में क्या कहती हैं। तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट की अगर बात करें तो सीधा यह कह दिया गया है, एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि जो एजेंट काम करता है वो किसकी डायरेक्शन पे काम करता है, वो प्रिंसिपल की डायरेक्शन पे काम करता है। तो ये कह दिया गया है यहाँ पर वो पूरी तरह बाउंड है प्रिंसिपल की डायरेक्शन के तहत काम करने के लिए, जो सेक्शन 211 में बोल दिया गया है, यानी कि सेक्शन 211 में बतला दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं, एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द एजेंसी विद एज मच एज स्किल इज जनरली पजेस्ड। सेक्शन 212 ये कह दिया है कि यहाँ पर जो एजेंट की क्वालिफिकेशन है वो सीधा कह दिया गया है कि वो एज मच एज स्किल होना चाहिए, यानी कि इतनी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए जितना कि एक जनरल आदमी वहां पर रखता जो इस कार्य को कर रहा होता। ठीक, तो इस तरीके की स्किल्स यहाँ पर मान्य होती है, यानी कि अगर यहाँ पर उसकी कोई लापरवाही पाई जाती है, एजेंट की कोई किसी लापरवाही से प्रिंसिपल को कोई भी नुकसान होता है तो एजेंट उसके लिए लायबल होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एजेंसी विद एज मच एज स्किल, यानी कि वो पूरी तरह उस कार्य के लिए स्किल्ड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट। सेक्शन 213 कहता है कि एजेंट उस के लिए प्रॉपर अकाउंट रेंडर बनाने के लिए बाध्य है, यानी कि जो प्रिंसिपल से रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो जब भी मांगे डिमांड करे तो वहां पर वो उसे प्रोवाइड कराए। उसके बाद आता है एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। सेक्शन 214 कहता है कि ये एजेंट्स की ड्यूटी है कि वो समय समय पर प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करता रहे और उसकी डायरेक्शंस लेता रहे। इस तरीके से यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ एजेंट को दर्शाया गया है सेक्शन 211 से 214 तक में। उसके बाद करते हैं बात राइट्स ऑफ एजेंट की, एजेंट के पास क्या क्या राइट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर सेक्शन 217 में। सेक्शन 217 कह देता है कि जहां पर एजेंट ने कुछ एडवांसेस खर्च किए, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस प्रिंसिपल के बिजनेस पे किए हैं, तो वो उन एक्सपेंसेस को वहां बिजनेस से ले सकता है, प्रिंसिपल के बिजनेस से ले सकता है। ठीक, उसके बाद आता है राइट ऑफ रिमनरेशन। सेक्शन 219 और 220 में बोल दिया गया है कि वो अपने रिमनरेशन को लेने के लिए राइट रखता है, यानी कि जो इनमें प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जो रिमनरेशन तय हुआ होगा वो यहाँ पर लेने का राइट एजेंट को दे दिया गया है, वो उससे ले सकता है। उसी बाबत यहाँ पर देखेंगे राइट ऑफ लेन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी सेक्शन 221। अगर ऐसा राइट उसे नहीं मिलता, यानी कि उसके जो तय कमीशन है रिमनरेशन है वो नहीं मिलता, तो यहाँ पर ये बोल देता है इसे राइट टू लियन का अधिकार भी प्राप्त है, यानी कि उसे प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को वो अपने पास तब तक रोक कर रख सकता है जब तक कि उसका सारा रिमनरेशन या कमीशन वहां पर ना दे दिया जाए प्रिंसिपल के द्वारा। उसके बाद आता है राइट टू इंडेमनिटी सेक्शन 222 से 224 तक कह दिया गया है। ऐसे बिजनेस के कंडक्शन में अगर कोई यहाँ पर फॉल्ट होता है तो राइट टू इंडेमनिटी भी यहाँ पर एजेंट को दिया गया है, यानी कि वो इंडेमनिफाई करा सकता है किससे, प्रिंसिपल से। ठीक, उसके बाद आता है राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज बाय प्रिंसिपल्स नेग्लिजेंस। सेक्शन 225 कहता है कि अगर प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस से एजेंट को कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होती है, तो वहां राइट टू कंपनसेशन भी इसे प्राप्त है सेक्शन 225 के अंतर्गत। इस तरह हम देखते हैं राइट्स ऑफ एजेंट सेक्शन 217 से 225
जिस तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। इसके बाद समझेंगे कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी किस तरीके से किया जा सकता है और काइंड्स ऑफ एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को समझते हैं, यानी कि एजेंसी को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है। तो यहां पर दो तरीके से एजेंसी को समाप्त करने के तरीके बतलाए गए हैं। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी दो तरीके से हो सकता है, एक बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और एक बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा और एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा किस तरीके से हो सकता है। पहला यहां लिखा है बाय रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल, यानी कि सेक्शन 203 में कह दिया गया है कि जहां पर प्रिंसिपल जो है वो एजेंट की अथॉरिटी को खत्म कर देता है, रिवोक कर देता है, तो उस कंडीशन में यहां पर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे बाय नोटिस ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एजेंट और प्रिंसिपल। सेक्शन 206 कहता है कि जहां पर एजेंट ने या प्रिंसिपल ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को त्याग करने का नोटिस वहां पर दे दिया हो, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने का नोटिस वहां पर किसी भी पार्टी की तरफ से दे दिया गया हो, चाहे वो एजेंट ने दिया हो चाहे वो प्रिंसिपल ने दिया हो, तो सेक्शन 206 के अंतर्गत टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की हो जाती है। उसके बाद समझते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो यहां पर आप देखेंगे बाय कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी, सीधी सी बात है कि अगर वहां पर एजेंसी का जो उद्देश्य है जिस वजह से एजेंट को रखा गया था वो फुलफिल हो जाता है, तो वहां कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी पूरा होते ही टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाता है। बाय डेथ इंसैनिटी ऑफ एजेंट और प्रिंसिपल, यानी कि एजेंट या प्रिंसिपल में से किसी की भी डेथ हो जाती है, कोई इंसेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाता है। फिर आता है बाय प्रिंसिपल्स इंसॉल्वेंसी, यानी कि अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मान लिया जाता है। उसके बाद आता है बाय एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ एजेंसी, यानी कि जिस समय टाइम पीरियड की बात वहां पर की गई थी उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंतर्गत, अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मान लिया जाता है। फिर आता है बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर के तहत, जिस विषय वस्तु के अंतर्गत ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जनरेट किया गया था, वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 201 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत मान लिया जाता है। तो हमने देखे कि किन किन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी किया जा सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद आता है समझते हैं काइंड्स ऑफ एजेंट को। अगर आप देखेंगे तो अपने आसपास कितने तरीके के एजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो काइंड्स ऑफ एजेंट जनरली देखने को मिलते हैं, एक जनरल एजेंट होता है, सामान्य एजेंट, साधारण एजेंट बोला जाता है इसे। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एजेंट, जो एक पर्टिकुलर कार्य के लिए जैसे एजेंसी के तौर पर, एजेंट के तौर पर नियुक्त किया जाता है, ये जनरल रूप से नियुक्त किया जाता है, ठीक। उसके बाद आता है सब एजेंट, जहां पर ये अपने अंतर्गत एक एजेंट नियुक्त कर लेते हैं, यानी कि एजेंट अपने नीचे एजेंट नियुक्त कर लेता है, दैट इज कॉल्ड अ सब एजेंट। इसी तरह को एजेंट होता है, जहां पर प्रिंसिपल दो या दो से अधिक एजेंट एक साथ नियुक्त कर लेता है, वो को एजेंट बोला जाता है। इसी तरह सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आता है। फिर फैक्टर होता है, एक ब्रोकर आप जानते होंगे, ऑक्शनियर होता है, डेल क्रेडरी एजेंट, जहां पर एजेंट के रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक। उसके बाद आता है कमीशन एजेंट, नेक्स्ट आता है कमीशन एजेंट। इस तरीके से यहाँ पर काइंड्स ऑफ एजेंट दिए गए हैं। अगर इनके बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बतलाइएगा, इनके बारे में भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बतलाऊंगा। तो इस तरह हमने पढ़ा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दर्शाया गया है। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंसी को समझा, डेफिनेशन ऑफ एजेंसी को समझा, साथ ही राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ एजेंट और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को हमने समझा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ आ गया, और अगर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका होगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही बेल बटन को दबाना ध्यान रखिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।